हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक दर्जन से भी ज्यादा यानी कि 15 ऐसे वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स लेकर आया हूं कि जिन्हें सुनकर और याद करकर आपको लगेगा ओए हाय हाय मजा आ गया। कसम से ये ऐसे वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपकी इंग्लिश में 4-5 चांद लगा देंगे और जिनके सामने आप बोलेंगे उन्हें तो पक्का ही लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आज मैं आपकी वोकैबुलरी पावर को मजबूत करने आया हूं। सही है, रेडी हो जाओ, कॉपी पेन ले लेना। अब अपनी वोकैबुलरी पावर को मजबूत करने के लिए और 15 कमाल के वर्ड मीनिंग सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चले गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कमाल कमाल के 15 वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स। पहला वाला है अपनी अपनी चलाने वाला, अपनी अपनी चलाने वाला। अब अक्सर कई इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी चलाते, दूसरे को कुछ समझते ही ना, पता नहीं कतई नेता से बने फिरते हैं। तो हम उनसे कहते हैं भाई ज्यादा अपनी अपनी मत चला रहे, वो तो अपनी अपनी चलाता, वो तो अपनी अपनी चलाने वाला है। तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, वोकैबुलरी देखो सुनो क्या है उसके लिए। ऐसे इंसान को कहेंगे बॉसी, बॉसी। हाँ जी, ये बॉस शब्द से निकला, यानी अपने आप को बॉस समझने वाला, अपनी अपनी चलाने वाला, बॉसी। अब जैसे मुझे कहना, दो एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से निकल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है अरे वो अपनी अपनी चलाता है, ऐसा इंसान है अपनी अपनी चलाने वाला इंसान है, वो उसके सामने बेकार है, बात मत करो, वो अपनी अपनी चलाता, अपनी अपनी चलाने वाला इंसान है। ही इज अ बॉसी पर्सन, ही इज अ बॉसी पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर एक और ले लेते हैं, ओ भैया अपनी अपनी मत चला, ज्यादा बैठ जा, थम जा जरा, हम भी कुछ है, हमारी बात सुन ले, अपनी अपनी मत चला, अपनी अपनी मत चलाओ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी अ बॉसी, डोंट बी अ बॉसी। अब तुम अब दूसरे से कह देना ओए बॉसी मत बन, ज्यादा समझ गया, अब थोबड़े तोड़ दूंगा तेरा, या बॉसी बनना वो ज्यादा, या ये कर रहा है बॉसी, ओए होए ये तो लग भी जहरीला सा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बदतमीज, बदतमीज। अब बदतमीज होता है जिसे तमीज नहीं होती, चाहे बात करने की हो चाहे किसी काम करने की, उसे हम कह देते हैं बदतमीज है ये। अब बदतमीज के लिए क्या होगा, तुम इसके लिए आपको एक वोकैबुलरी जो भी है मुंह से निकल रहा है इंग्लिश वीक है वो बता देता हूं। तो बदतमीज के लिए वर्ड है इंग्लिश का इंसोलेंट, इंसोलेंट। और ये कमाल का है, आप इसे किसी के सामने बोलेंगे किसी को लगेगा ही नहीं कि आप उसे बदतमीज बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे एक्सीलेंट बोल रहे हैं, खुश हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, याद कर लो इंसोलेंट। जैसे किसी को आपको कहना है अरे तुम बदतमीज हो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा, तुम बदतमीज हो, सो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं यू आर इंसोलेंट, यू आर इंसोलेंट। इस तरीके से आप बोलेंगे तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा कि आपने तारीफ कर दी है। सो याद रखना, याद इसलिए रखना, कोई तुम्हें इंसोलेंट बोल दे तो कभी तुम एक्सेलेंट समझ लो। सही है, आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चालाकी से काम करना, यानी हेर फेर करके काम करना, हेर फेर करना, चालाकी से काम लेना, चालाकी से काम करना। अब ये भी आप सुनते ही आ रहे होंगे, चालाकी से काम करता है, बड़े चालाकी से चल रहा है वो। तो इसके लिए आप आइडिया लगाओगे, ये करेंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तुम कुछ मत करो, मेरी सुनो, मैं टीचर हूं, प्लीज मेरी बात सुनो। आप इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड बता रहा हूं वो यूज कर सकते हैं, और वो है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट। अब इसके बारे में मैनिपुलेट जो भी है सुना जरूर होगा, अब आज आपको यूज भी बता दूंगा। मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम करना, हेर फेर से काम लेना। जैसे मुझे कहना है अरे वो जानती है अपने दोस्तों से चालाकी से कैसे बात करनी है, कैसे चालाकी से चलना है, वो जानती है अच्छे तरीके से। सो इसकी इंग्लिश होगी शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट हर फ्रेंड्स, शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कैसे चालाकी से चलना है वो जानती है। अब आगे से आपसे कोई कहे ज्यादा मैनिपुलेट मत बन, समझ गया, मतलब हेर फेर से काम मत ले, चालाक मत बन। आप भी दूसरे से कह सकते हो कुछ चालाकी से चल रहा है, आपसे ज्यादा स्मार्ट बनना है, तो आप क्या कहते थे पहले स्मार्ट बन, अब मत बन, अब क्या कहोगे ओए मैनिपुलेट मत बन ज्यादा। ठीक है ना कमाल का। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दिखावा करना, दिखावा करना यानी किसी चीज का नाटक करना, दिखाने के लिए लोगों को ऐसा करना, बट एक्चुअली में वैसा वो होता नहीं है। अब इसे क्या कहेंगे, सो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है प्रेटेंड, प्रेटेंड। आप जैसे मुझे कहना है मुझसे प्यार करने का नाटक मत करो, ज्यादा दिखावा मत करो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, सो मुझसे प्यार करने का नाटक मत करो, दिखावा मत करो, डोंट प्रेटेंड टू लव मी, डोंट प्रेटेंड टू लव मी। इसी तरीके से आप कह सकते हैं शी प्रेटेंड्स टू लव मी, वो मुझे प्यार करने का दिखाना दिखावा करती है, वो अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, वो झूठ बोलने का दिखावा, झूठ बोलने का दिखावा कौन करता है, मतलब सच बोलने का दिखावा कर रहा है। सो आप जब भी दिखावा करना है, नाटक करना आपके दिमाग में आए कि ये कैसे बनेगा, तो प्रेटेंड यूज करना, बहुत बढ़िया। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया अगला वाला है उत्सुक,
उत्सुक है, मतलब समझते ना, उत्सुक का मतलब चाहत, किसी चीज की चाहत होना, उत्सुकता होना, उत्सुक। अब मैं ये करने के लिए उत्सुक हूं, मेरी ये करने की चाहत है, मेरी ये चाहत है, मैं इसके लिए उत्सुक हूं, ये उत्सुकता है मेरी। अब उत्सुक के लिए क्या होगा? सो उत्सुक के लिए जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है क्यूरियस। क्यूरियस सुना भी होगा तुमने, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं, ध्यान से देख लो क्या लिखा है, क्यूरियस। अब जैसे मुझे कहना है मुझे ताजमहल देखने की इच्छा है, चाहत है, मैं मुझे उत्सुकता है, मैं ताजमहल देखने के लिए उत्सुक हूं, उतावला हूं, कितने सारे बता दिए, अब तो समझ में आ गया होगा क्या मतलब है इसका, उतावला, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इससे कहीं और भी पूछ रहे हैं हम। अब उत्सुक हूं, सो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्यूरियस टू सी द ताजमहल, आई एम क्यूरियस टू सी द ताजमहल। मेरे अंदर अब मैं क्यूरियस हूं, बहुत उतावला, उत्सुक हूं, बहुत चाहत है मुझे ताजमहल देखने की। या आप किसी भी चीज के लगा सकते हो, उसको ये करने की चाहत है, वो ये करने के लिए उत्सुक है। सही, समझ गए। आओ आप अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सिर्फ, केवल, केवल टीवी केबल की बात नहीं हो रही है, केवल यानी ओनली, सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, तो वहां पर क्या लगेगा, पहले तुम्हें समझा दूं। जैसे मैं केवल सब्जी खाता, अरे वो मेरा केवल दोस्त है, मैं सिर्फ वहां पर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। सो ये सिर्फ या केवल हम यूज करते हैं, इसके लिए वो क्या वर्ड है, क्या है? हाँ याद आ गया, मेरली, मेरली। अब जैसे मुझे कहना है वो मेरी सिर्फ दोस्त है, वो मेरी सिर्फ केवल मेरी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप गलत मत समझिए, वो केवल मेरी दोस्त है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, शी इज मेरली माय फ्रेंड, शी इज मेरली माय फ्रेंड। इस तरीके से पहले आप बोले शी इज ओनली माय फ्रेंड, जस्ट माय फ्रेंड, अब थोड़ा एडवांस लेवल हो जाओ, मेरे से पढ़ रहे हो प्लीज। सो शी इज मेरली माय फ्रेंड, सो आप इस तरीके से मेरली का यूज कर सकते हैं, सही है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आदत या प्रवृत्ति, एक ही बात होती है, आदत या प्रवृत्ति, मतलब आदत प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो किसी में बस चुकी हो, जो मना करने पे भी मतलब वो करता हो, बेचारा पहले मान जाता फिर भूल जाता फिर करने लगता, वो कहते थे तो इसकी आदत पड़ गई है, इसके अंदर की प्रवृत्ति ऐसी है, मतलब दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, प्रवृत्ति जरा ज्यादा हार्ड है, आदत कहते हैं हम कच्ची भाषा में। वैसे इसके लिए आप हैबिट यूज कर लेते होंगे, कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ एडवांस सीख लो, मैं पढ़ा रहा हूं तो। सो आदत के लिए अब आप यूज कर सकते हैं वोकैबुलरी वर्ड टेंडेंसी, टेंडेंसी, ये थोड़ा सा ऊंचे लेवल का लगेगा और बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा। अब जैसे मुझे कहना है अरे नाखून चबाना उसकी आदत है, उसकी प्रवृत्ति है, उसके खून में है, कितनी बार मना कर लिया, मान लिया चप्पल चप्पल मारे उसके थोबड़े पे, लेकिन फिर चबाने लगता है, नाखून चबाने की उसे आदत है, नाखून चबाना उसकी आदत है, उसे नाखून चबाने की आदत है, तो आप इसे बोल सकते हैं ही हैज अ टेंडेंसी टू बाइट द नेल्स, ही हैज अ टेंडेंसी, उसकी एक आदत है टू बाइट द नेल्स, की वो नाखून चबाता है। तो आप इस तरीके से खूबसार बनाओ, उसकी झूठ बोलने की टेंडेंसी है, उसकी खड़े होने की ऐसे टेंडेंसी है, अरे उसकी बाल ऐसे बिखेरने की टेंडेंसी है, नहीं सब आदतें हैं, सही है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एकदम सही या सटीक, कुछ भी कह लो, एकदम सही है भाई साहब, एकदम सटीक नाप लिया उसने, एकदम सही बात बताई, एकदम सटीक खबर है ये, सही या सटीक, एकदम सही या सटीक। अब इसके लिए आपको मैं एक वोकैबुलरी वर्ड बता देता हूं, और वो है प्रिसाइज, प्रिसाइज, बहुत बढ़िया, ये बहुत चलन में, इसका यूज आप करना। अब जैसे मुझे कहना है ये न्यूज चैनल एकदम सटीक खबर सुनाता है, एकदम सटीक खबर देता है, एकदम सही खबर देता है, ये न्यूज चैनल सुना करो, एकदम बढ़िया खबर देता है। सो इसकी इंग्लिश होगी दिस न्यूज चैनल प्रिसाइज न्यूज, दिस न्यूज चैनल प्रिसाइज न्यूज, यानी ये एकदम प्रिसाइज न्यूज देता है, एकदम सटीक सही जानकारी देता है, सही खबर देता है। अब आप किसी भी चीज के लिए प्रिसाइज यूज कर सकते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट है, यानी कि सटीक सही नाप लिया है, एकदम प्रिसाइज खबर है ये, सही है, बहुत काम का ये प्रिसाइज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है निगलना, 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 समझते हो ना, पहले तो हिंदी के वर्ड भी समझाने पड़ते हैं। अरे निगलना होता है मतलब बिना चबाए गटक जाना, हलक से नीचे उतार लेना, कहता अजगर उसे निगल लिया, ये अच्छा एग्जांपल है। सो कोई भी चीज निगल लेना, उनने सिक्का निगल लिया और ये चीज मन निगल लेना, आज वो मैंने ये निगल लिया, बोलने में भी अजीब सा लग रहा है निगलना, पता नहीं क्या ही है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। और निगलने के लिए वोकैबुलरी वर्ड है, मीनिंग के साथ, मीनिंग तो पहले ही बता दी, वो है स्वालो, स्वालो। आज जैसे मुझे कहना है तुम्हें बिना पानी के बर्गर निगलना पड़ेगा, आज पानी नहीं है हमारे पापा, ऐसी बिना चबाए निगल लो इसे, लेकिन हालांकि चबाना तो पड़ता ही है, लेकिन ये कहावत है कि निगल लो। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू स्वालो द बर्गर without water, you will have to swallow the burger without water, यानी कि तुम्हें बिना water के, पानी के burger को निगलना पड़ेगा, will have to का use कर लिया बहुत दिनों बाद, सही है। so आप किसी भी चीज को कहना सिक्का मत निगल लियो, don't swallow the सिक्का, coin, क्या English भी है मेरी, so इस तरीके से आप बोल सकते हैं निगलना मतलब swallow। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया next वाला है उपाय निकालना या इलाज करना, उपाय निकालना या इलाज करना, मतलब बात एक ही, किस चीज का उपाय निकालना, किस चीज का इलाज करना, उस परेशान
परेशानी को हल करना, दूर करना एक ही बात है। अब इसके लिए आप सॉल्यूशन पोल्यूशन क्या क्या यूज करते होंगे, लेकिन सुनो एक कमाल का वर्ड आपको बताता हूं और वो है रेमेडी। रेमेडी मतलब उपाय निकालना, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, किसी परेशानी को हल करना, किसी चीज का, समझ गए होंगे मैं तो वो सब्जी सी बेचने लगा। अब जैसे मुझे कहना है अरे वो इस परेशानी का हल निकाल देगा, इस परेशानी का उपाय निकाल देगा, इस परेशानी का जो है सॉल्व कर देगा, उसके पास चलो। सो ही विल रेमेडी द प्रॉब्लम, ही विल रेमेडी द प्रॉब्लम, यानी वो इस परेशानी का उपाय निकाल देगा, इसका इलाज निकाल देगा। तो अब आपको किसी भी चीज का रेमेडी चाहिए हो, मतलब उसका उपाय चाहिए हो, तो रेडीमेड कपड़े पहन लेना, ये मिलता जुलता ना इससे याद रहेगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बुरा। अब ये बुरा जो होता है यानी दयनीय, जिसे देख के बहुत बुरा लगे, तरस आए या अच्छा ना लगे, कोई चीज इतनी बुरी हो या बुरा हो, बुरा बुरी बुरी एक ही बात है, उसके लिए क्या यूज होगा आपके दिमाग में आएगा बैड, बैटमैन बैठ जाओ, मैं बताता हूं आपको बैड ठीक है, लेकिन आपको मैं और कुछ बता देता हूं। और इसके लिए आप बोल सकते हैं कमाल का वोकैबुलरी, ऐसे बोलो तो थोड़ा सा फील आता है वोकैबुलरी वर्ड, और वो है पैथेटिक। पैथेटिक यानी कि बुरा, जैसे हम कहें मैच में उसकी परफॉर्मेंस एकदम बेकार थी, घटिया थी, तो आप कह सकते हैं हिज परफॉर्मेंस वाज पैथेटिक इन द मैच। हिज परफॉर्मेंस यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वाज पैथेटिक, वो पैथेटिक थी इन द मैच। अब देखो कितना फर्क आ गया, पहले आप कहते थे हिज परफॉर्मेंस वाज बैड इन द मैच, कैसा लग रहा है बुरा सा, अब आप देखो हिज परफॉर्मेंस वाज पैथेटिक, लग रहा है ना जैसे अंग्रेज से बोल रहे हैं, तो आप खुद सोचो। अब आप खूब जाओ भी बैड बैड यूज करना, पैथेटिक यूज कर लेना, ही इज प्लेइंग पैथेटिक, आई है पैथेटिक, पथरी सी हो रही है जो भी है, सो आप बढ़िया करके इसका यूज करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है जैसे तैसे, जैसे तैसे। और भैया ये भी बहुत यूज होता है हमारी भाषा में, जैसे तैसे मैंने उसके पैसे उतारे, जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा हूं, जैसे तैसे मैंने ये करा है। अब जैसे तैसे की तरह कुछ और भी यूज कर लेते हैं, कैसे ना कैसे, ऐसे वैसे, पता नहीं कैसे कैसे, जो भी है, जैसे तैसे फिलहाल इस पे आते हैं। अब इसके लिए आप को एक वोकैबुलरी वर्ड बताता हूं कमाल का, और वो है somehow, somehow, जैसे मुझे कहना जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा भैया, बड़ी मुश्किलों में पहुंचा, मुझे पता मेरे दिल से पूछो, जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, somehow I reached there, somehow I reached there। अब आप खूब सारे बनाओ, जैसे तैसे मैंने उसके पैसे उतारे, बड़े दिल दुखाए मेरा, जैसे तैसे मैंने उसको जो है अब उसका कर्जा उतारा, जैसे तैसे हम वहां पहुंचे, या जैसे तैसे ये होगा, तो इस तरीके से somehow का यूज करना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है भरोसे रहना या निर्भर रहना, किसी के भरोसे रहना, निर्भर रहना, मैं उसके भरोसे हूं, मैं उस पर निर्भर करता हूं, अरे मैं उसके भरोसे ही जी रहा हूं, वो ये घर उसके भरोसे चल रहा है, किसी के भरोसे या किसी पर निर्भर होना। अब इसके लिए क्या यूज होगा, आप कहेंगे डिपेंड यूज करेंगे, अरे चाचा सब यूज करते, कुछ नया सीखो ना। सो निर्भर होना या भरोसे होना, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं रिलाय, रिलाय। अब जैसे मुझे कहना है दूसरों के भरोसे मत रहो, दूसरों के पे निर्भर मत रहो, कुछ अपनी मेहनत से भी कमाओ। सो डोंट रिलाय ऑन अदर्स, डोंट रिलाय ऑन अदर्स, पहले आप क्या कहते हैं डोंट डिपेंडेंट, बी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और अदर्स, लेकिन अब आप कुछ छोटा सा भी है देखो अच्छा भी है, कोई आपके मुंह पे बोल दे यू आर रिलायड ऑन मी, तुम मुझ पे निर्भर करते हो, तुम्हें तो समझ में भी नहीं आएगा, बट अब आ जाएगा, यानी तुम मुझ पे मेरे भरोसे हो, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं निर्भर होने या भरोसे होने के लिए रिलाय। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नकल उतारना, नकल उतारना, और इसको सुनकर आपके दिमाग में आया होगा कॉपी, मैं कॉपी कर रहा हूं, नकल उतार रहा हूं, ही कैन कॉपी मी, मेरी नकल उतार सकता है, हां ठीक है अच्छी बात है तुम्हारे दिमाग में कॉपी आ गया, लेकिन कुछ नया सीखो, किसी की भी नकल उतारना, उसकी कॉपी करना, उस जैसी जो है एक्टिंग करना, उसकी नकल करना, अब इसके लिए बहुत बढ़िया वोकैबुलरी वर्ड बता रहा हूं, और वो है इमिटेट, इमिटेट। जैसे मुझे कहना है क्या तुम अमिताभ बच्चन की नकल उतार सकते हो, जैसे बोल सकता है उसे कॉपी कर सकते हो, तो पहले क्या कहते थे कैन यू कॉपी अमिताभ बच्चन, लेकिन अब आप देखिए क्या बोल सकते हैं, कैन यू इमिटेट अमिताभ बच्चन, कैन यू इमिटेट अमिताभ बच्चन, हाँ मैं अमिताभ बच्चन की कॉपी कर सकता हूं, नकल उतार सकता हूं, आई कैन इमिटेट अमिताभ बच्चन, नहीं ये ऐसे नहीं, मैं कितना गंदा कॉपी कर रहा हूं, सॉरी इमिटेट कर रहा हूं, सो इमिटेट मतलब नकल उतारना, और बड़े अच्छे इमिटेट करता है, और बड़ी अच्छी ये करता है, सो इमिटेट नकल करना, नकल उतारना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वहमी, वहमी यानी जिसे बहुत ज्यादा वहम हो, या एक तरीके से कह सकते हैं अंधविश्वासी, जिसे बहुत अंधविश्वास हो, मतलब बिल्ली आगे से निकल गई तो वहम हो गया, हालांकि वो उनका अपना विश्वास है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये सिर्फ एक क्लास है इसलिए मैं इसका मतलब बता रहा हूं। सो उसको वहम हो गया कि अब ये काम नहीं बनेगा, उसको विश्वास हो गया, अंधविश्वास हो गया, सो वहम ये शब्द यूज करते हैं हम, वहमी किसी चीज का वहम हो जाना, अरे मुझे वहम हो गया, मेरे कान में कुछ चला गया, मुझे
लग रहा है मुझे, हालांकि है नहीं लेकिन वहम हो गया, बहुत लंबा समझा दिया, मतलब प्यारा मुद्दे की बात करते हैं। सो वहमी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसके लिए मैं एक वोकैबुलरी बताता हूं, और वो है सुपरस्टिशियस। मुंह से भी निकल रहा, लकवा सा मार जाएगा, देख रहे थे लग रहा है जैसे, सुपरस्टिशियस निकल तो रहा है यार, हद हो गई। हाँ तो जैसे मुझे कहना, अरे तुम बड़े वहमी हो यार, हर चीज में वहम पाल रखो है, कभी खुद पे भी रह लिया करो, तुम बहुत वहमी हो, तुम बहुत बड़े वहमी हो। तो इस इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर सो सुपरस्टिशियस, बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है, निकल ली रहा मुंह से, 2-3 हज़ार बार प्रैक्टिस करी तो कैमरे पे निकला है, आपका शायद निकल लिया, निकाल के देखो निकल रहा है, बाद में निकाल लेना, सही है। तो यू आर सो सुपरस्टिशियस, इस तरीके से ही सुपरस्टिशियस यार, अरे बहुत वहमी हो, वहम करता है, डोंट बी सुपरस्टिशियस यार, ज्यादा वहमी मत बनो, निकल रहा है यार, मजा आ रहा है, और बनाने का दिल कर रहा है, लेकिन बस। तो देख लिया आपने कि कितने कमाल कमाल के वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स होते हैं, याद कर लेना नहीं, लेकिन आपके लिए छोटा सा होमवर्क यानी कि यू वर्क है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो यू वर्क होगा ना, लगाओ मैडम तुम बहुत वहमी बननी हो, सुपरस्टिशियस होमवर्क। ये रहा भैया आपका होमवर्क, इन तीन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तीनों को बड़े ही ध्यान से देखो पहले, और पहचानो कि इनमें कौन सी वर्ड मीनिंग जो है वो सेट हो रही है, जो मैंने आज आपको 15 सिखाई है उनमें से कौन सी बैठ रही है, उनमें से यूज करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। पहले इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में छेद देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, और आते जाते सभी लोग होमवर्क को एक दूसरे के लाइक भी करना, कोई गलती करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये थे आज की क्लास 15 कमाल के वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स के ऊपर, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, आने वाले टाइम पे ऐसे और वोकैबुलरी वर्ड्स आपके लिए लाता रहूंगा मीनिंग के साथ। अब आपका एक छोटा सा कर्तव्य है, वो है आपको मेरी फीस देनी है, और फीस कैसे देनी है, ना एटीएम ना पेटीएम ना जेटीएम, बस अब जाओ, क्या करना है फीस तो बता दूं, जाओ भेज क्यों रहा हूं मैं तुम्हें पहले, इस फीस यह है कि इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।